शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया 2 से भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार की 3005 मत से हुई जीत। 8 मार्च पिछले दिनों गया के हरदास सेमिनरी हाई स्कूल के सभाकक्ष में भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया 2 से जीत के बाद शिक्षकों द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित की गई, जिसमें कई शिक्षकों की उपस्थिति रही। शिक्षकों के अलावा बीएससी के निदेशक रणजीत कुमार, विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर अमित कुमार उर्फ योगी भी उपस्थित थे। इस मौके पर जीवन कुमार ने कहा, काफी दिनों से शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, जिस पर सरकार गंभीर नहीं थी, शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही थी। अब सरकार को गंभीर होना होगा, यदि सरकार गंभीर नहीं होती तो शिक्षक समाज सरकार को परिवर्तन करने के मूड में है। आर के निराला की रिपोर्ट। देखिए, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो हमें जीत मिली है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे शिक्षक समाज के हो, चाहे वो संस्कृत के शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित के शिक्षक हो, चाहे वो वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक हो, चाहे वो हमारे अतिथि शिक्षक हो, ये इनके संघर्ष का जीत है। और हमें लगता है कि संघर्ष और समझौता के बीच में संघर्ष की जीत हुई है, और ये संघर्ष की जीत जो है आगे की दिशा और दशा तय करेगा कि जो शिक्षकों के बीच में जो मूल समस्या थी और उस पर सरकार गंभीर नहीं थी, तो हमें लगता है कि उस पर सरकार को अब गंभीर होना होगा, और नहीं तो सरकार यदि गंभीर नहीं होती है तो शिक्षक समाज सरकार को परिवर्तन करने के भी मूड में है। और हमारे जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, ये कहता है कि सरकार को इस पर हर हाल में गंभीर होना होगा, और चाहे जो भी समस्या है उस पर गंभीरता से विचार करना होगा, जो पिछले कई वर्षों से दशक से ऊपर हो गया और उस पर विचार नहीं हुआ है, उसको हल्के में लिया गया है, और इसके कारण एक अमानवीय सा व्यवहार, एक पीड़ित करने वाला व्यवहार, या ये कह लीजिए कि एक पीड़ित शिक्षकों को पीड़ित करने वाली नीति एक अमानवीय व्यवहार के रूप में जो है उन पर हमेशा आक्रामक रही है। जी 3005 वोट से हमारी जीत हुई है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो हमने 800-900 कॉलेज में गए और उन घूमने के क्रम में जो शिक्षक समाज के बीच जो मैंने समस्या देखी है, जैसे ट्रांसफ़र की समस्या, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जिसके कारण अभी हाल ही में हमारे परैया में एक हमारी शिक्षक महिला दीदी का मौत हो गया, और उनके परिवार में पीएफ के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में मात्र 62 से 68 हज़ार रुपये था, तो उनके परिवार को चलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। तो इसके साथ नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। संस्कृत शिक्षक को जो है वहाँ भी लगता है कि संस्कृत को विलुप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, वित्त रहित कॉलेजों में जो है उनके इंटरनल रिसोर्सेज पर एक सुपरवाइजर से भी कम पेमेंट मिल रहा है, उसको सुधारने का जो हमने संकल्प लिया है। तो ये इन सारे समस्याओं को समूल सुधार करने की हमने संकल्प लिया, और इसको हमको लगता है कि ये सब हमारे प्राथमिकता के लिस्ट में है, और हम लोग इसको परिवर्तन करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, और सरकार को हर हाल में इसको परिवर्तन करना होगा, नहीं तो शिक्षक समाज सरकार को परिवर्तन कर देगा।